वैसे टोनी एक बात बता, अभी तक कुछ नया पता चला क्या जिससे हमारी मदद हो सके? नहीं, हमें कुछ भी पता नहीं चला। अरे यार क्या बोल रहा है, तुम लोगों ने उसका पास देखा है ना, तो कुछ तो नया पता चला ही होगा। नहीं, ऐसा हो ही नहीं पाया, और ये सब तुम्हारी मेहरबानी है, हम तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पीछे आए थे। अरे यार ये क्या मुसीबत है, ये तो मैं भूल ही गया था। तो फिर अब? पर चिंता की कोई बात नहीं है, मैं शिनचान और बाकी लोगों को बोलकर आया था, वो लोग वही देख रहे होंगे। हाँ टोनी भैया ने एकदम सही कहा, पर मुझे भी जानना था कि उसके पास्ट में और क्या हुआ है। चौप यार चिंता मत कर, हमें जल्दी पता चल जाएगा, और वैसे भी हम लोग घर ही तो जा रहे हैं। नहीं, हम लोग घर पर नहीं जा रहे हैं। अरे बाप रे, ये क्या कर रहे हो, हमारी गाड़ी पलट जाएगी। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। अरे यार टोनी ये क्या किया, तूने रास्ता क्यों चेंज किया है, सीधा पक्की सड़क से कच्ची सड़क हम एक जगह पर जा रहे हैं। अरे पर कहाँ पर, वो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। अरे वैसे ये रास्ता तो देखा हुआ लगता है। अबे हाँ, यहाँ पर तुम पहले भी आ चुके हैं। कौन सी जगह है ये, कौन सी जगह है? अबे ये तो वही जगह है जहाँ पर वो नदी है। हम लोग इस नदी के आसपास क्या कर रहे हैं, तुम्हें वो लाश यहीं पर दिखाई दी थी ना? हाँ दिखाई तो यहीं पर दी थी। तो अभी उतरो। अबे ये क्या बात हो गई, अब बताएगा यहाँ पर क्यों लाया है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देखो वो वुल्फमैन मिले हमें ज्यादा दिन नहीं हुए, और ये नदी भी ज्यादा पुरानी नहीं है, मतलब तुम्हारे सपने में जो भी आया था इस नदी को लेके, वो कुछ दिनों या महीने पहले की ही बात है। हाँ पर इससे क्या, इसका हम क्या करेंगे? आपको क्या लगता है इससे हमारी कोई मदद होगी क्या? हाँ तुम सही समझ रहे हो चॉप, अगर फ्रैंकलिन ने यहाँ पर बहुत सारी लाशें देखी थी तो वो अभी भी यही कहीं पर होनी चाहिए, क्या पता उनके पास से हमें कोई सबूत मिल जाए, हमें उन्हें ढूंढना होगा। अरे यार ऐसा थोड़ी ना होता है, तुम्हें कैसे पता वो यहीं पर होगी? मुझे पता नहीं, मुझे भरोसा है, बस उन्हें ढूंढने की देरी है, अगर हमें सबूत चाहिए तो वो लाशें ढूंढनी होगी। अच्छा ठीक है बाबा, जैसा तू कहे। तो बताओ कहाँ पर ढूंढे, क्योंकि ये जगह तो बहुत बड़ी है। तुम एक काम करो, उस साइड जाओ और मैं इस साइड जाकर ढूंढता हूँ। ओके तो मैं चलता हूँ फिर, मैं इस साइड जा रहा हूँ। चौप तुम बैठे मत रहना, तुम पीछे साइड जाकर ढूंढो। अरे यार ये क्या मुसीबत है, ये दोनों तो मुझे काम देकर चले गए, पर ये करना ही होगा, और वैसे भी मेरी सूंघने की शक्ति उनसे ज्यादा है, तो मैं जल्दी पता लगा लूंगा। गाइस यार देखो, टोनी उस साइड गया है और चौप पीछे साइड गया है, तो हम लोग एक काम करते हैं, नदी के उस साइड जाकर ढूंढते हैं। जल्दी जल्दी जाता हूँ। ओ भाई साहब, गाइस गाइस ये क्या हो रहा है, अबे इसकी तो मैं उठ जा उठ जा। अबे यार यहाँ का बहाव बहुत ज्यादा ही तेज है। अबे नहीं नहीं फिर से नहीं यार, जल्दी जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। नदी क्रॉस करने का डिसीजन बहुत ही बुरा था। एक मिनट गाइस, इस नदी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है, और वो लाशें मुझे इसके अंदर दिखाई दी थी, इसका एक ही मतलब है, वो फ्लो के साथ आगे गई होगी। हम लोग गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं, मुझे चौप और टोनी को बताना होगा। चौप कहाँ पर है तू, एक काम कर जल्दी से यहाँ पर आ जा। चौप चौप। अरे ये क्या, ये तो फ्रैंकलिन भैया की आवाज लग रही है, लग रहा है उन्हें कुछ मिला है, मुझे लगता है उनके पास जाना चाहिए। जल्दी जल्दी जाता हूँ, पता नहीं ऐसा भी क्या मिला होगा, पक्का कोई सबूत होगा। पर टोनी भैया तो उस साइड गए हुए हैं। टोनी भैया जल्दी से फ्रैंकलिन भैया के पास आ जाओ। टोनी भैया, टोनी। एक मिनट, मुझे ऐसा लगा कि चौप ने मुझे बुलाया है। टोनी भैया, नहीं ये आवाज तो उसी की है, मुझे लगता है उन्हें कुछ मिल गया है, जल्दी से जाके देखता हूँ। अबे यार ये टोनी कहाँ पर रह गया, ये देखो मैं आ गया हूँ तुम्हारे पीछे। चलो सब लोग आ गए। अरे पर ये तो बताओ कि आपको मिला क्या है, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। देख टोनी, मैंने तुझे क्या कहा था, मुझे वो लाशें नदी के अंदर दिखाई दी थी, और इस नदी का फ्लो देख कितना तेज है, और ये जा रहा है उस तरफ, तो हम लोग लाशों को यहाँ पर क्यों ढूंढ रहे, वो तो बह के आगे गई होगी। क्या तो तुम एकदम सही रहे हो, इसका मतलब हम गलत जगह पर ही ढूंढ रहे थे। अरे तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, हमें यहाँ पर नहीं ढूंढना चाहिए, हम तीनों को जाके आगे ढूंढना चाहिए, जो भी मिलना होगा ना वो हमें वहीं पर मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो फिर चलते हैं यहाँ से। अच्छा ठीक है, फिर आ जाओ मेरे पीछे, मतलब के एक दो जगह अलग अलग ढूंढ लेना। गाइस यार जल्दी जल्दी जाते इस नदी के पीछे, देखो ये नदी जिस साइड भी जा रही है ना, हमें उसके आसपास देखना होगा, वहाँ पक्का हमें कुछ मिलेगा। जल्दी जल्दी जाते गाइस। अबे यार यहाँ पर भी कुछ नहीं है। अबे यार कहाँ जा सकते हैं, ये नदी तो बहुत लंबी है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। एक मिनट गाइस, यहाँ से कुछ तो अजीब सी आवाज आ रही है। ओ भाई साहब, गाइस यार अब ये क्या है, ये किसने किया होगा, इन सारों को तो जला दिया गया है। भाई साहब जरा देखो तो सही गाइस। अरे नहीं नहीं, ये क्या हो गया यहाँ पर, ये किसने किया है? चौप यार मुझे कैसे पता, मैं भी तो अभी आया हूँ, हमारी सारी मेहनत वेस्ट हो गई, किसी को तो पक्का पता था कि हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और उसने ये सब कर दिया। अरे पर ऐसा कौन होगा, क्योंकि यहाँ आने का प्लान तो हमारा अचानक से बना था, वो जो कोई भी था वो बस यहाँ से सबूत मिटाने आया था। अबे यार ये क्या मुसीबत है, और जरा इन लाशों को देखो तो सही, ये अभी भी जल रही है, मतलब कि हमारे आने से थोड़ी देर पहले कोई आया था और ये सब करके चला गया, अब इससे हमें क्या ही सबूत मिलेगा। चलो छोड़ो, चलो यहाँ से, अब इतना तो पक्का हो गया कि हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, अब कुछ भी पता लगना होगा ना तो वो वुल्फमैन के पास से ही लगेगा। तो गाइस यार अब यहाँ से निकलते हैं, आधा दिन तो यहीं पर वेस्ट हो गया, हम लोग कितना कुछ सोच कर आए थे। अरे छोड़ो ना फ्रैंकलिन भैया, जो हो गया सो हो गया, उसका हम लोग क्या कर सकते है। सही बोल रहा है चौप यार, कुछ नहीं कर सकते, पर अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि ये सब मेरे साथ हो
क्यों रहा है। अरे आप चिंता मत करो, पक्का पता चलेगा, और वैसे भी हम लोग घर के पास तो पहुंच गए हैं, तो हम लोग पता लगा ही लेंगे। काश के तुम दोनों की बात सच हो। चलो अब चलते हैं अंदर। तो आप यार आ जा, ऊपर ही खड़ा रहेगा क्या। गाइस वो रहा शिनचैन, बहुत अच्छा लगा भाई तुझे देख के। आप लोग आ गए, मुझे आपकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, अब ठीक तो हो ना। अरे यार पूछ मत शिनचैन, आज तो दिमाग ही खराब हो गया है। अरे क्यों, ऐसा क्या हुआ। छोड़ वो सब, हमें जल्दी से बुल्टमैन का पास देखना होगा। एक मिनट, अबे बुल्टमैन कहाँ पर है, वो यहीं पर होना चाहिए था। ये वो तो भाग ही गया। भाग गया, ऐसे कैसे भाग गया। हल्क को पता लगता उससे पहले वो भाग चुका था, वो बहुत स्पीड में निकला। अरे यार ये क्या कर दिया तुम लोगों ने, अब हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अबे यार मुसीबत खत्म ही नहीं होती है, एक जाती है तो दूसरी आती है, अभी हम लोग क्या करेंगे। अरे फ्रैंकलिन भैया आपको भी तो उसके सपने आते हैं ना, तो आप भी तो पता लगा सकते हो। अरे यार ऐसा नहीं होता, मुझे बस झलक दिखाई देती है, पूरा सपना नहीं आता। उसकी चिंता तुम मत करो, तुम बस अपने दिमाग पर जोर डालो, बाकी का काम हमारी मशीन कर लेगी। अरे यार क्या मुसीबत है ये, मुझे ये सब याद नहीं करना, तुम्हें करना ही होगा, और वैसे भी ये सब हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। अच्छा ठीक है जाता हूँ भाई। जल्दी जल्दी जाते हैं मशीन के अंदर, पता नहीं आज मेरे साथ क्या होने वाला है। जिस चीज को मुझे याद नहीं करना वो आज मुझे जबरदस्ती याद करनी होगी। जल्दी से अपनी आंखें बंद करता हूँ, प्लीज प्लीज कुछ पता चल जाए प्लीज। आप सभी को तो याद ही होगा कि उस शैतान ने पूरे गांव को जला दिया था, पर वो वहाँ पर नहीं रुका, वो बहुत सालों तक ऐसा ही करता रहा। जमाना बदलते गया पर वो जहाँ कहीं भी जाता बस अपने साथ तबाही लेकर जाता, पर धीरे धीरे उसकी ताकतें कम होने लगी थी और वो इस समय में पहुँच गया था। और अब तो हमारा वुल्फी और बच्चा भी 25 साल के हो गए होंगे, वो इस जमाने में तो पहुँच गए थे, पर ये सब उनके लिए बहुत ही नया था। शैतान ने अपनी सेना खो दी थी और वो निकल पड़ा था अपनी एक नई सेना बनाने के लिए, और उसे एक ऐसी जगह पता चली थी जहाँ से वो अपनी सेना बना सकता है। हाँ आपने एकदम ठीक सोचा, वो सीधा पहुंच गया मिलिट्री बेस। आखिरकार मैं यहाँ पर पहुंच ही गया हूँ, मैंने इस जगह के बारे में बहुत सुना है, यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो मेरी सेना बन सकते हैं, और जरा देखो तो सही इनके पास तो हथियार भी है। कैसे हो दोस्त, अब से तुम मेरे लिए काम करोगे। पर तुम हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो, चले जाओ वरना गोली मार दूंगा। मुझे तुम्हारी गोलियों से कुछ नहीं होगा, पर तुम्हें जरूर होगा। चलो एक तो गया, पर अभी भी मुझे बहुत सारे लोगों को मारना होगा, तो भी मैं इनकी आत्माओं से अपनी डेड आर्मी खड़ी कर पाऊंगा। हे तुम कौन हो और तुमने इसके साथ क्या किया। वो तुम्हें जल्दी पता चलेगा, जो इसके साथ हुआ है अब तुम्हारे साथ होगा। ये भी गया, ये सारे लोग तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, यहाँ मैं अपनी सेना आराम से बना सकता हूँ। वो शैतान मिलिट्री बेस तक तो पहुँच गया था, और वहाँ पर पहुँच के उसने बहुत लोगों की जान ली और उनके आत्माओं को मिलाकर अपनी एक सेना खड़ी की। वो जिस बुक की तलाश में था उसे पता चल चुका था कि उसे कैसे ढूंढना है, उस शैतान को उस बुक को ढूंढने का एक जरिया मिल चुका था, इसलिए उसे सेना की जरूरत थी। तुम सबको पता है ना क्या करना है, कल तक वो बुक मेरे हाथ में होनी चाहिए, वरना तुम में से एक भी नहीं बचेगा। वहाँ वो शैतान बुक को ढूंढने के पीछे पड़ा हुआ था, और यहाँ पर हमारे हीरो मतलब के वो बच्चा और वो वुल्फी जो कि अब बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं, वो अभी तक उस शैतान को नहीं ढूंढ पाए थे। हाँ मुझे पता है वुल्फी, पर मैं क्या करूँ, मैं भी उन्हें ढूंढ ढूंढ कर थक चुका हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, पर मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हें खिलाने के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है, एक काम कर मेरे पीछे आ जाओ, हम जाकर कुछ ढूंढते हैं, हमें पक्का मिलेगा, वरना हम तो भूख के मारे ही मर जाएंगे। पता नहीं कैसी जिंदगी हो गई है, यहाँ पर तो हमें अपना कहने वाला भी कोई नहीं है, लोग बस हमसे डरते हैं। एक मिनट वुल्फी, वहाँ पर मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। एक काम करता हूँ, यहाँ पर छुप जाता हूँ, जरा देखो तो सही, वहाँ पर एक इंसान कुछ तो बेच रहा है और उसकी स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। वुल्फी तुम्हें पता है क्या करना है, जल्दी से जाओ। आरा आरा यह किसकी आवाज है, जरा देखो तो सही। अरे बाप रे, यह वुल्फ यहाँ कहाँ से आ गया, कोई बचाओ मुझे, यह मुझे खा लेगा, यह तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है बाबा। वुल्फी तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, अब मैं जल्दी से जाके वो खाना ले लेता हूँ। ये रहा वो, और ये मैंने उठा लिया। वुल्फी यार ये सब कितने दिनों तक चलेगा, तुमने मुझे वुल्फ तो बना दिया है, पर अब लोग मुझसे बहुत ज्यादा डरने लगे हैं, और हमारे पास तो कोई रहने की जगह भी नहीं है, न मॉम है न डैड है, हमारा एक दूसरे के सिवा कोई भी नहीं है, और वो शैतान भी हमें नहीं मिल रहा है, पता नहीं जन्म में हम उसे ढूंढ पाएंगे या नहीं। वो बच्चा और वुल्फी बहुत अकेले पड़ चुके थे, क्योंकि उस बच्चे के मॉम डैड को मरे बहुत साल हो चुके थे, ना उनके पास घर था, ना सोने की जगह, ना रहने की जगह, ना ही खाना, ना ही अपना बोलने वाला कोई। क्या वो लोग शैतान को ढूंढने तक जिंदा रह पाएंगे। पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, हिलने की कोशिश मत करना वरना सब लोग मारे जाओगे। तुम लोग म्यूजियम में चोरी करने आए थे, तुम्हें क्या लगा था ये सब इतना आसान है। हमें जल्दी से बता दो कि तुम लोग यहाँ पर क्या लेने आए थे, तुम्हारा यहाँ से बच के जाने का कोई भी चांस नहीं है। Ha ha.
मुझे जल्दी से बताओ, क्या हमारे आदमी तैयार है? हाँ सर, हमारे आदमियों ने अपनी पोजीशन ले ली है, अब चिंता मत करिए। चिंता मैं नहीं, तुम करो। अगर हम जो करने आए हैं वो नहीं हुआ तो मैं अपने हाथों से तुम सबको मार दूंगा। और उनका क्या हुआ जो अभी तक अंदर घुसने की कोशिश ही कर रहे हैं? उन्हें कहो जल्दी करे, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है। सर वो अपना काम कर ही रहे हैं, कुछ ही देर में वो अंदर घुस जाएंगे, उसके बाद हमें इशारा करेंगे, फिर उन पुलिस वालों को मार देंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है, इनके आदमी तो पकड़े गए, फिर वो किस प्लान की बात कर रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पुलिस ने जिनको पकड़ा है वो तो बस एक चारा है। पुलिस को खुद नहीं पता कि वो फंस चुकी है और वो कितने लोगों के निशाने पर है। यहाँ पर एक दो नहीं, पूरी की पूरी पलटन है जो उन पर निशाना लगा के बैठी है, और वो बस एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। जैसे उन्हें वो सिग्नल मिलेगा वो उन सभी पुलिस वालों की खोपड़ी उड़ा देंगे। वो बस अपने साथियों का म्यूजियम में घुसने तक का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो हो गया, समझो के सारे मारे जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो घुस कहां से रहे हैं, तो ये रही वो जगह, वो यहाँ की खिड़की तोड़ के अंदर घुसेंगे। उन्हें पता था कि पुलिस उनका नीचे इंतजार करेगी, तो उन्होंने नीचे चारा डाला और खुद ऊपर से आ गए, और बाकी लोग उन पर निशाना लगाकर बैठे हैं। सर सर, क्या मेरी बात सुन सकते हैं? हमारा आदमी अंदर घुस चुका है, अब आप लोग प्लान को अंजाम दे सकते हैं। वाह क्या बात है। तैयार हो जाओ सब लोग, अपना अपना शिकार पकड़ लो और निशाना साधो, एक भी नहीं बचना चाहिए। इस हेलीकॉप्टर को कोई यहाँ से हटाओ, इसे अभी के अभी गिराओ, मुझे ये यहाँ पर नहीं चाहिए। जी सर, हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। और ये गया। वाह क्या बात है, हेलीकॉप्टर भी गया, हमारे आदमी भी अंदर पहुंच चुके हैं। सर आप आ सकते हैं, यहाँ पर सब क्लियर है। तुम मेरी बात सुनो, तुम यहीं पर रहो और यहाँ पर निगरानी रखो। मैं अंदर जाऊंगा और वो सामान लेके आऊंगा, अगर यहाँ पर तब तक कोई भी आए तो गोली मार देना, हिचकिचाना मत। जल्दी जल्दी जाता हूँ नीचे। अब बस यहाँ पर तबाही ही और तबाही होगी। राजा हमसे बहुत खुश होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैं उनका सामान लेके आ रहा हूँ। मुझे जल्दी से अंदर की रिपोर्ट दो, अंदर क्या चल रहा है? सर अंदर सब ठीक है, और हम जो ढूंढ रहे थे वो हमें मिल चुका है। बहुत अच्छे, मुझे बस यही सुनना था। अब मैं अंदर जाता हूँ और जाकर वो देखता हूँ, हमारा सामान सही सलामत होना चाहिए। अब तो यहाँ अंदर भी कोई नहीं आ सकता, यहाँ पर मेरे आदमियों का पहरा है। मुझे लगता है वो सामान ऊपर ही होना चाहिए, हम जिन स्तंभ को ढूंढ रहे थे वो यही कहीं पर होंगे। वाह वाह क्या बात है, ये रहे, ये तो दिखने में भी बहुत खतरनाक है। राजा को इन्हीं चारों स्तंभ की तलाश थी, आखिरकार ये हमें मिल ही गए। अब इन्हें यहाँ से लेके जाना होगा। तुम मेरी बात सुनो, इन्हें गाड़ी के अंदर रखवाओ, हमें जल्दी से जल्दी राजा के पास पहुँचना है। चारों के चारों स्तंभ गाड़ी में रखवा दिए। जी सर, जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ है, वो रही गाड़ी ठीक आपके सामने। आखिरकार हमने इन्हें हासिल कर ही लिया। सब लोग मेरी बात सुनो, हमें अभी कभी यहाँ से निकलना होगा, यहाँ की रिपोर्ट जल्दी पुलिस वालों को पता चल जाएगी, इससे पहले बाकी के आए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। जल्दी से आके गाड़ी में बैठो और बाकी लोगों को भी बोल दो सीधा ठिकाने पर आ जाए, अब मजा आएगा। अब इस दुनिया पर राज करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये स्तंभ क्या है, तो वो जल्दी आपको पता चल जाएगा। अगर उस शैतानी राजा ने इन्हें मंगवाया है तो जरूर ये कोई इम्पोर्टेंट चीज होगी जो कि उस बुक को ढूंढने में मदद कर सकती है। बहुत सारे राज खुल रहे हैं, पर अभी भी बहुत सारे राज है जो कि उन स्तंभों में और किताबों में कैद है। ये कहानी जैसे आगे बढ़ते जा रही है वैसे वैसे नए सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये गुत्थी कभी सुलझ पाएगी? चलिए देखते हैं आगे। बस बस गाड़ी को यही रोको, और कितने दूर जाओगे? अब उतरो जल्दी से सब लोग, आखिरकार हम लोग यहाँ पर पहुँच ही गए। अब जल्दी से जाके राजा को ये बात बताता हूँ, वो मुझसे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। राजा जैसा आपने कहा था वैसा हो गया, मैं आपका सामान ले आया हूँ। वाह क्या बात है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वैसे एक बात बताइए, आप इनका करने क्या वाले हो? वो सब तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, पर पहले ये बताओ कि तुम चार स्तंभ लाए हो, क्योंकि अगर एक भी गायब रहा तो हमारा काम नहीं होगा। नहीं बॉस, मैं सारे के सारे लाया हूँ, आपको तो पता ही है मेरा काम कितना पक्का है। बहुत अच्छा किया, अगर नहीं लाते तो अब तक जिंदा नहीं होते। अब एक काम करो, जल्दी से उन्हें मेरे पास लेके आओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि उनके साथ करना क्या है। ठीक है जाता हूँ, वो स्तंभ इसी गाड़ी के अंदर है। ये रहे वो चारों के चारों।
जल्दी से उन्हें यहाँ आके रख दो। ठीक है बॉस। ए शैतान, मुझे रास्ता दिखा, मुझे बता के इन्हें कहाँ रखना है। मुझे उस बुक की तलाश है जिससे मैं आपकी सेवा कर पाऊँ और खुद को ताकतवर बना सकूँ। मुझे जानना है इन स्तंभों का राज और वो किताब कहाँ पर है। प्लीज मुझे रास्ता बताइए। अब मेरी बात सुनो सब लोग, मुझे पता चल चुका है कि इन स्तंभों को कहाँ रखना है। हमें इन सबको अलग अलग जगह पर पहुँचाना होगा, वहाँ पर एक निशान बना होगा, तुम्हें हर स्तंभ वहाँ पर लगाना है। जब ये चारों स्तंभ लग जाएंगे तो ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे और हमें उस लोकेशन के बारे में बताएंगे जहाँ पर वो बुक है। अच्छा ठीक है बॉस, पर हमें पता कैसे चलेगा कि वो जगह कहाँ पर है? बिना वो जाने हम लोग कैसे जाएंगे वहाँ पर? उसकी चिंता तुम मत करो, यहाँ पर देखो शैतान हमें रास्ता बताएगा। ये रही वो चारों जगह जहाँ पर तुम्हें स्तंभ लगाने हैं। थोड़ी भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए वरना हमारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। जैसा आप कहे, आपका हुक्म सर आंखों पर। अब मैं जाता हूँ यहाँ से, काम हो जाना चाहिए। हमारे पास बस 24 घंटे हैं, उससे पहले हमें चारों स्तंभ लगाने होंगे। अब आप लोगों को पता चल चुका होगा कि वो चारों स्तंभ किस काम के थे। वो चारों ही जरिया थे उस किताब को ढूंढने का। शैतान आगे बढ़ते ही जा रहा है और हमारा हीरो कमजोर होता ही जा रहा है। पता नहीं आगे क्या होगा। गुल्फी जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ, जाके कुछ खाने का ढूंढते हैं। अब तो 2 दिन हो चुके हैं, हमने कुछ खाया नहीं। एक मिनट, ये कैसी आवाज आ रही है? मुझे कुछ तो सुनाई दे रहा है। म्यूजियम में हुई है चोरी, गुनेगार फरार। एक मिनट, पक्का कुछ तो चल रहा है। यहाँ आसपास से आवाज आ रही है, मुझे लगता है इस दुकान के अंदर से आ रही होगी। जल्दी से जाकर देखता हूँ। म्यूजियम में हुई है चोरी और गुनेगार फरार है। चोर बहुत ही शातिरता के साथ अंदर घुसा था और वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले भी मारे गए और ये सब उसने किया ये चुराने के लिए, जिन्हें चार स्तंभ कहा जाता है। पता नहीं ये उसने क्यों किया होगा, पर जो भी है वजह बहुत बड़ी है। पुलिस अभी भी पूछताछ कर रही है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? पक्का ये उनका ही काम होगा। ये काम वो शैतान ही कर सकता है। इतनी तबाही उसके सिवा कोई नहीं मचा सकता। गुल्फी तुम कहाँ पर हो? मुझे एक सबूत मिला है। आखिरकार हमारा पहला स्तंभ लग गया। बहुत जल्दी वो बुक मेरे हाथ में होगी। मुझे जल्दी से बताओ अब तक तुमने क्या क्या किया है, क्योंकि दिन के 4 घंटे तो निकल चुके हैं। बस जैसा आपने कहा था, मैंने एक स्तंभ तो यहाँ पर लगा दिया है, 2 स्तंभ हमारे आदमी लेकर निकल चुके हैं, वो भी जल्दी लगा लेंगे। जरा इस स्तंभ को देखो तो सही, ये उसी निशान पर लगा है। ये शैतान की निशानी है। जल्दी ये दुनिया अंधेरे से भर जाएगी। आपने एकदम ठीक कहा सर, आपको पूरी दुनिया का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो सब तो ठीक है, पर उन स्तंभों को जल्दी से जल्दी उनकी लोकेशन पर पहुंचाओ। सर आप चिंता मत करिए, काम हो जाएगा। मैं 1 मिनट भी फालतू जाने नहीं दूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम मुझे दूसरी स्तंभ की लोकेशन पर मिलो। अब हमारी मुलाकात वहीं पर होगी। राजा जैसा जैसा सोचता गया सब कुछ वैसा ही होता गया। धीरे धीरे करके उसके आदमियों ने वो सारी लोकेशन ढूंढ ली। उसने एक स्तंभ लगाया, उसके बाद दूसरा। वो ऐसे ही आगे बढ़ते गया। दूर हो जाओ हमारे रास्ते से, हमारे उस किताब के बीच कोई नहीं आ सकता। पता नहीं इन मामूली इंसानों से कब पीछा छूटेगा और कब हमारा यहाँ पर राज होगा। वो रहा दूसरा स्तंभ, आखिरकार वो भी लग गया। अब बस 2 बाकी है और मुझे पक्का भरोसा है वो दोनों स्तंभ भी सही टाइम पर अपनी जगह पर होंगे। उसके बाद बस काला साया। राजा बहुत ज्यादा खुश था, उसके 2 स्तंभ तो लग चुके थे और अभी भी जिनको पता नहीं चल रहा कि स्तंभ क्या होता है। आप इन्हें छोटा सा पिलर कह लीजिए या फिर जादू स्टोन। और दूसरी तरफ उस बच्चे को पता चल चुका था कि उन्होंने पहला स्तंभ कहाँ पर लगाया है। गुल्फी जल्दी जल्दी आ जाओ, मुझे उनके आदमियों का पता चल चुका है। वो हमारी लोकेशन के बहुत ज्यादा नजदीक है, हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना होगा इससे पहले कि वो लोग भाग जाए। हाँ मुझे पता है, तुम बोलोगे कि मुझे कैसे पता चला। मुझे यहाँ से लोकल गुंडों से पता चला है कि यहाँ पर एक नदी के आसपास बहुत सारे सोल्जर पहरा दे रहे हैं और वो इस देश के सोल्जर जैसे नहीं लग रहे थे, तभी मैं समझ गया कि वो वही लोग होंगे। ये देखो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जल्दी जल्दी उतरता हूँ। गुल्फी मेरी बात सुनो, ये काम हम दोनों को ही करना होगा, ये मैं अकेले नहीं कर सकता। तुम एक काम करो, तुम नदी के उस साइड जाओ और मैं इस साइड का देखता हूँ। ये लो तुम आजाद हो, जल्दी जाओ और मैं जाता हूँ इस साइड। फटाफट उन्हें ढूंढना होगा, वो लोग यही कहीं पर होंगे। ये क्या वो रहा, यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है। आराम आराम से जाता हूँ, इसे पता नहीं चलना चाहिए। ये ले, चलो एक तो गया। गुल्फी शुरू हो जाओ। चलो ऊपर वाले लोग तो गए, अभी हमें कोई नहीं देखेगा। जल्दी से आगे जाके देखता हूँ। अरे ये क्या है, वो रहा वो पहला स्तंभ, पर यहाँ पर तो बहुत सारे लोग पहरा दे रहे हैं। मतलब कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ चारों बाजू बस सोल्जर ही है। गुल्फी अपना कमाल दिखाओ। गुल्फी तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो। अब एक काम करो, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम उनका ध्यान खींचो, मैं उनको पीछे से मारता हूँ। चलो
वुल्फ ने अपना काम कर दिया है, अब मेरी बारी है। ये लो, एक तो गया, अब इन सब की बारी, और ये गया दूसरा, कोई मेरे हाथ से नहीं बच पाएगा। ये ले, अरे ये वापस उठ गया, ये खा, और अब इसकी बारी, ये गया आखिरी वाला भी। चलो फाइनली मैंने सबको मार दिया है। वुल्फी तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ये रहा वो स्तंभ, ये तो शैतान की निशानी है, उन लोगों ने स्तंभ को उसके ऊपर रखा है, वो लोग कुछ तो बड़ा करने वाले है, मुझे ये सब रोकना होगा। एक काम करता हूँ, स्तंभ को यहाँ से हटा देता हूँ, फिर शायद ये सब रुक जाए। अरे बाप रे, ये तो हिलने का नाम भी नहीं ले रहा, ये तो मुसीबत वाली बात है, मुझे उन्हें रोकना होगा, पर मुझे तो पता ही नहीं है कि वो है कहाँ पर, इनका पता भी मुझे गलती से चला था। हाँ हाँ वुल्फी, मुझे पता है, हमने मौका अपने हाथ से गवा दिया है, पर अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमें जल्दी से सबूत ढूंढने होंगे जिससे हमें पता चले कि वो लोग कहाँ पर है, क्योंकि कल रात को ही उन्होंने वो स्तंभ चुराए थे और उनमें से एक यहाँ पर लगा हुआ है, इसका मतलब वो लोग बहुत ज्यादा घाई में है, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम उन्हें कभी नहीं हरा पाएंगे। अरे अब ये गोली कौन मार रहा है? एक मिनट वुल्फी, क्या बात है, अभी भी एक सोल्जर जिंदा है, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, अब यही हमें बताएगा कि वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं। चलो अच्छा हुआ कि ये हमारे हाथ से बच गया, चलो इसे बेहोश करके गाड़ी में तो डाल दिया है, अब इसे अपने अड्डे पर लेके जाते हैं और वहाँ पर जाके इसे पूछताछ करेंगे, बस इसे जल्दी से होश आ जाए। चलो कम से कम हमारे हीरो की शुरुआत तो हुई, पर वो अभी भी बहुत ज्यादा पीछे था, क्योंकि इस समय तक तो राजा का तीसरा स्तंभ भी लग चुका है। मंजिल हमारे बहुत ज्यादा नजदीक है, अब बस इसे शुरू होने में 3 घंटे बचे हैं, उससे पहले वो चौथा स्तंभ लग जाना चाहिए, फिर ये सब एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगे और हमें मार्ग दिखाएंगे उस किताब का। इतनी भी बारिश हो, यहाँ की आग नहीं बुझेगी, ये शैतान की माया है। सर हमने आपका तीसरा स्तंभ भी लगा दिया है, अब बस एक बाकी है, और उसकी चिंता आप मत करिए, वहाँ पर कुछ सोल्जर पहरा दे रहे हैं, उन्होंने वो जगह खाली करवा दी है, और जो लोग नहीं मान रहे थे वो सारे के सारे मारे गए, अब हमारा रास्ता साफ है। तो जाओ और जाकर वो चौथा स्तंभ भी लगा दो, हमें निराश मत करना। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा, अगर ऐसा दिन आया तो मैं खुद को मार दूंगा, आप बेझिझक रहिए। हमें जल्दी करना होगा, समय पूरा होता ही जा रहा है और मैं और ज्यादा कमजोर हो रहा हूँ, याद रखना अगर मैं मरा तो तुम सब अपने आप मर जाओगे, मैं नहीं तुम्हें बनाया है। जी सर मुझे पता है, मैं वो चौथा स्तंभ टाइम से पहले लगा दूंगा, उसके बाद आप सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे। अब मैं चलता हूँ, आपसे सीधा उस जगह पर ही मिलूंगा, जल्दी से जाके गाड़ी में बैठता हूँ। राजा ने एक एक करके तीनों स्तंभ लगवा लिए और वो तीनों अपनी जगह पर थे, अब बस एक बाकी था। यहाँ आगे क्या क्या होने वाला है? क्या ये चौथा स्तंभ लग जाएगा? क्या राजा को वो किताब मिल जाएगी? क्या वो सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाएगा? या फिर उससे पहले हमारा हीरो उसे ढूंढ लेगा? या फिर वो मारा जाएगा? इनके सिवा भी बहुत सारे सवाल है, जैसे कि वो वुल्फमैन कहाँ पर गया? क्या हमारा फ्रैंकलिन ठीक हो पाएगा? उन लाशों को किसने जलाया? अगर आपको भी ये सब जानना है तो जल्दी से कमेंट करना पार्ट 4 या फिर एपिसोड 4। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।